Hi, welcome to my channel. This video is solve creating question number 21. For each of the non-perfect cubes in question number 20, find the smallest number by which it must be multiplied so that the product is a perfect cube. And the next one is find the smallest number by which it must be divided so that the quotient is a perfect cube. तो यहाँ कहने का मतलब है कि 20 नंबर क्वेश्चन में मतलब कि हमें जाना पड़ेगा पीछे. लेट अस गो. तो हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें हमने जब सॉल्व किया था तो हमने ये पाया था कि जो ये तीनों नंबर्स थे वो क्या हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं. लेकिन 243 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसके फैक्टर्स के ट्रिपलेट नहीं बन पा रहे थे. दैट्स वाई 243 क्या था, परफेक्ट क्यूब नहीं था यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पर केवल बन रहा है 3 का ही, यहाँ पर 33 का नहीं बन पा रहा. ओके, तो लेट अस सॉल्व हियर फॉर दैट नंबर. मीन्स दैट वॉज 243. ओके, तो कह रहा है कि अब उसको बनाना है क्या, परफेक्ट क्यूब बनाना है. ठीक है, 243 को. तो जब 243 को परफेक्ट क्यूब बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा. तो बोला है पहले कंडीशन में कि ए में कि किस स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करें उस नंबर में जो नहीं है. कौन सा नंबर बोल जा रहे हम, 243. ओके, सो लिख लेते हैं यहाँ पर 243 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब हो जाए. और ये भी बोला है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए. लेट अस सॉल्व फर्स्ट वन. तो वी हैव 243. यदि इसका लिखेंगे सारे फैक्टर्स को तो मिलेगा हमें 3 × 3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 का यहाँ पर एक ही पेयर बन पा, ट्रिपलेट बन पा रहा है और यहाँ पर जो है केवल पेयर बन रहा है. तो यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा. तो हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है ना, उस छोटे नंबर से. तो बस हमें आपको देखना है ना कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वो कौन सा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें जितने भी फैक्टर्स का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा उनका ट्रिपलेट बन जाए. देखिए, केवल एक 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका ट्रिपलेट बन जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द ओनली नंबर, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच यू शुड मल्टीप्लाई आर वी सेड मल्टीप्लाई 243 टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट क्यूब. मीन्स 3 इज योर करेक्ट आंसर. तो इसी को लिखना है. ओके, हाउ विल यू राइट इट. सो ये आपका ए का सोल्यूशन हो चुका है. आपका आंसर है क्या, 3. बी सॉल्व करते हैं. कह रहा है कि अब जो ये आपका नंबर है 243, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है डिवाइड करके. मीन्स किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दें 243 में कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. सो वी हैव, एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर, 243 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3. अब देखिए यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट तो बन जा रहा है यहाँ पर. अब डिवाइड करना है इसको, है ना, डिवाइड कर दें किस नंबर से, सबसे छोटे नंबर से, कि ये जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो बस आपको देखना ये है ना कि जिन नंबर्स का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है केवल उनको ही हटाना है यहाँ पर. तो देखिए 3 × 3 क्या आएगा, 9 आएगा. और 9 से यदि हम डिवाइड कर दें 243 में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हट जाएगा. और जब ये हटेगा तो 3 का ट्रिपलेट ऑलरेडी बना हुआ है. तो जो नंबर मिलेगा डिवाइड करने के बाद, मतलब डिवाइड करने के बाद जो कोशियंट मिलेगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. ओके, तो जब परफेक्ट क्यूब होगा वो नंबर तो हमें तो ये निकालना है कि कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे. तो 3 × 9 से डिवाइड करेंगे डेफिनेटली. ओके, सो क्लियरली आप कह सकते हैं, क्लियरली वी मस्ट डिवाइड बाई. ओके, तो आपका जो आंसर है वो है 9. मीन्स ये दोनों, तो मतलब कि आसान है. आपका जो 21 है वो मेरे ख्याल से 17 या 18 क्वेश्चन जो था एकदम सिमिलर था ऐसे ही. तो आप समझ चुके होंगे बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.